आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट इन द गेमिंग में। मैं हूँ AKN22 और ये है हमारी बबल एलिवेटर, बबल रेडस्टोन एलिवेटर जो मैंने बनाई है। देखिए नाइस, ये 1.13 अपडेट का एक नया, उपसी आई टॉगल्ड इट, शिट। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या है। ये हमारी इंस्टेंट बबल एलिवेटर है जो आप भी बना सकते हैं। देखिए कितनी फास्ट है, क्योंकि ये बबल जो है ये आपको ऊपर फेंकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बना सकते हैं आप आपके सर्वाइवल वर्ल्ड में भी। इजी है, आपको ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ ज़्यादा नहीं चाहिए रहती है जिसको आप, जो आपको सर्वाइवल वर्ल्ड में ना मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहले मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगती है। इसमें आपको पहले तो लगता है पावर ड्रिल, रेल, रेडस्टोन टॉर्च, एक माइनकार्ट, उसके बाद रेडस्टोन केल्प जो आपको ओशंस में मिल जाते हैं, ये देखिए ये वाले केल्प, और एक वाटर बकेट। सोल सैंड चाहिए जिससे बबल प्रोड्यूस होते हैं जो आपको ऊपर दिखाते हैं। दो साइन बोर्ड, एक स्टिके पिस्टन, एक स्लाइम ब्लॉक, एक रेडस्टोन रिपीटर, एक स्ट्रिंग और दो ट्रिप वायर हुक चाहिए, ठीक है। और उसके आपको जो भी आपको नीचे ब्लॉक्स लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये है हमारा, वो ये कहाँ गए दोनों? मैंने यहाँ पर एक विलेजर को स्पॉन करा तो वो देखिए एक वहाँ पर खड़ा है पानी के बीच में। तो इसका क्या मैकेनिज्म है आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पावर रेल है जो कि इस रेल से जुड़ती है। आप यहाँ पर माइन कार्ट रखिए और ये सीधे नीचे तक जाती है। चलिए मैं आपको इसको हम तोड़ते हैं फिर। ये रही हमारे पास माइन कार्ट, यहाँ पर से रखते हैं, ये नीचे जाती है और इधर से आएगी। तो मैं उसमें बैठता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए ये नीचे ड्रॉप होती है और यहाँ से दो ब्लॉक्स का गैप है और नीचे रैंप लगा रखी है हम पावर रेल की। और जैसे ये इसके ऊपर गिरती है और यहाँ से ये सीधे जाती है इस एलिवेटर में। यहाँ पर सोल सैंड लगाई है, दो वुडन ब्लॉक्स लगाए हैं हमने, क्या कहते हैं इसे, साइन लगाए ताकि वो जो पानी है वो इस तरफ बह के ना आए और सीधे आप जाते हैं ऊपर। ये देखिए और पीछे मैंने क्या लगाया, पीछे इसके है एक स्टिकी पिस्टन, एक स्लाइम ब्लॉक जो स्टिकी पिस्टन से जुड़ा हुआ है, एक रिपीटर जो कि टू टिक्स है, रेडस्टोन जो कि ट्रिप वायर से अटैच्ड है और बीच में एक स्ट्रिंग है छोटी सी जो इसको एक्टिवेट करती है ट्रिप वायर को, और वो सिग्नल भेजता है सीधे रिपीटर में जिससे स्टिकी पिस्टन एक्टिवेट होता है। तो चलिए मैंने मैं इसको हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड में ही बनाऊंगा पर आप इसे आपके सर्वाइवल वर्ल्ड में ही बना सकते हैं। तो चलिए मैंने इसके लिए 8x8 का चंक एक बना के रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रील लगानी है जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पे से, ठीक है। ये रही हमारी पावर रील और रेल रेडस्टोन, ये हो गया। अब हमें यहाँ से एक का गैप छोड़ना है ताकि ये इस तरफ टर्न हो। यहाँ से फिर हमें दो का गैप छोड़ना है। हे गो अवे, और यहाँ पर हमें डिक करना है, ठीक है। और फिर एक रेल रहेगी हमारी यहाँ पर जो कि इसको कनेक्ट करेगी। ये इस तरफ टर्न होना चाहिए, ये इसका बेसिक है। आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपको पुट करना है, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। और यहाँ पर कोई सा भी स्टोन लगा दीजिए आप। यहाँ पर हमारा जो वाटर रहेगा वो यहाँ से निकलेगा ऊपर बबल्स की तरफ, और यहाँ पर हमें स्टिकी पिस्टन लगाना है। ये ऊपर का हो गया है और इसे क्या छोटा कर देते हैं।
अब लेते हैं हम हमारा स्टिक के पिस्टन और इसे आपको इस डायरेक्शन में लगाना है और ये वाला ये इस तरफ जाएगा। यहाँ पर हमारा सोल सैंड लगेगा नीचे, इसका हम अब कवर अप कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर एक ट्रिप वायर लगा सकें दोनों तरफ। ये हो गया, ठीक है। इसको एक ब्लॉक हमें पीछे करना है, ये हो गया। और अच्छा, इसको हमने आगे लगा दिया, सॉरी। ये हो गया यहाँ पे, और इस पिस्टन को हम लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हम स्लाइम ब्लॉक लेते हैं, स्लाइम ब्लॉक को इस पिस्टन से लगाएं और इसके नीचे वाला ब्लॉक हटा दीजिए, क्योंकि ये एक्टिवेट होता है तो स्लाइम ब्लॉक है वो ब्लॉक पे चिपक जाता है, इसलिए यहाँ से हम नीचे वाला स्लाइम ब्लॉक के नीचे वाला ब्लॉक जो है उसको आप हटा दीजिए। उसके बाद आप लीजिए ट्रिप वायर, ट्रिप वायर को एक यहाँ लगाइए एक यहाँ पर, और बीच में आप स्ट्रिंग लगा दीजिए इसके, जो एक्टिवेशन का काम करेगा। ये हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं रेडस्टोन और रिपीटर, ठीक है। रिपीटर को आपको यहाँ लगाना है, इसके बाद रेडस्टोन को इस ट्रिप वायर से कनेक्ट कर रहा है, उसको दो टिक करने हैं आपको रिपीटर को, 1 2, ठीक है। अब देखिए ये एक्टिवेट होता है कि नहीं, ये देखिए एक्टिवेट हो रहा है और ये हमें पीछे पुश कर रहा है। व्हूप्सी, ये हो गया हमारा ऊपर का पूरा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये छोटा सा मॉडल है जो कि मैंने चंक में बनाया है, और इसको आप जैसे भी आपकी बेस है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमको डिक करना है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर है 1 2, नीचे लगता है केव है हमारे। इसको आप जितना चाहें आपके हिसाब से आप इसे डिक कर सकते हैं, जितनी भी आपकी बेस नीचे आपको चाहिए। ये बेसिक मॉडल मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप बना सकते हैं इसको। अब हम ऊपर जाते हैं और यहाँ हटा दें ताकि एक्टिवेट ना हो। ट्रिप वायर क्या, हमें एक रेडस्टोन हटा देते हैं, बस। अब यहाँ पे हमको डिक करना है, इसका काम हो गया है। स्टोन्स चाहिए रहेंगे, रेडस्टोन चाहिए रहेंगे, ट्रिप वायर का हो गया है, ठीक है। ये गैप आ गया है यहाँ पर, और ये हमारी बेस रहेगी नीचे की, जहाँ पर भी आप माइनिंग कर रहे हैं वहाँ पर इस सेटअप ये सेटअप करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। इसको फिलअप कर दीजिए और इसके जस्ट नीचे, बस ये ध्यान रखना कि किस तरफ फेसिंग है, इस तरफ फेसिंग है तो हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको पुट करना है आपकी पावर रेल। फेस डाउन, ताकि वो सीधे आके इसके ऊपर गिरे यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बीच में पावर रेल लगा दीजिए और आपको एक्सटेंड करना है इसको यहाँ तक। मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर पावर रेल लगा दीजिए, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, इसको कवर करना है दोनों तरफ से ताकि पानी जो है वो बाहर ना आए,
पर एक थोड़ा इसको ब्राइट अप करने के लिए यहाँ पे हम रेड ग्लो स्टोन लगा देते हैं ताकि थोड़ा उजाला रहे नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसको आपको क्या करना है, हाँ हमें ग्रेवल भी चाहिए था। ग्रेवल कहाँ गया? ठीक है, और साइन बोर्ड जो है वो आपको लगाने हैं यहाँ पर, इसमें आप कुछ भी लग सकते हैं। और एक जस्ट उसके ऊपर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर डिक करना है और यहाँ पर आपको ग्रेवल लगाना है। ठीक है, अब आपका बकेट लीजिए पानी का और कैल्प लीजिए, इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब हम ऊपर से पॉर करेंगे पानी जहाँ पर हमारा ब्लॉक रहेगा। देखिए, और ये पानी नीचे आ गया है और ये फ्लोइंग वाटर है। इसको अगर बबल्स आपको इसको जनरेट करना है तो आप बस इसमें कैल्प लगाते जाइए ऊपर की तरफ, तो जो फिलिंग स्पेस है वो एक ब्लॉक ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लोइंग वाटर है जो, वो ब्लॉक ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर तक, फिर आप वापस नीचे जाइए और आपके पास जो सोल सैंड है, सोल सैंड बबल्स प्रोड्यूस करती है जो कि आपको ऊपर की तरफ धकेलता है। क्या करना है, यहाँ से कैल्प हटानी है आपको और इसकी जगह सोल सैंड लगाना है। ये देखिए, और ये आपको सीधे फेंकता है ऊपर। यप्स, देखा। तो ऐसे ये वर्क करता है। और एक और चीज़, यहाँ पर गैप छोड़ना ना भूले, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया है, इतना ईजी और सिंपल है ये। बस हमको अब क्या करना है, रेडस्टोन टॉर्च लगानी है ताकि हमारी जो पावर ड्रिल है वो एक्टिवेट हो जाए। ले लीजिए, हो गई एक्टिवेट। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। ओके, थोड़ा उजाला करने के लिए मैं इधर भी ये लगा देता हूँ। ठीक है, हमारी ये कंट्रैप्शन तैयार हो गया है। मुझे यहाँ पर रेडस्टोन लगाना है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ चाहिए हमारी माइनकार्ट और हमारी बबल एलिवेटर तैयार हो गई है। ए, ऊपर मैंने रेडस्टोन नहीं लगाया है। डैंग इट। ऑलराइट, ठीक है, रेडस्टोन तैयार है। लेट्स प्लेस दिस माइनकार्ट हियर। ओप्स, सॉरी। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। ये देखिए, ये सक्सेसफुल हुआ हमारा फर्स्ट टाइम में ही। तो ऐसे बना सकते हैं आपकी बबल रैप एलिवेटर रेडस्टोन की मदद से। यस, चलिए हम इसमें राइड करते हैं। हे, अभी आएगी नेक्स्ट, इसमें राइड करेंगे। ये देखिए, इधर से गई, यहाँ से इसको सीधे आपको ऊपर फेंकता है। तो ये है हमारी एक छोटी सी कंट्रैप्शन बबल एलिवेटर। ये देखिए, दोनों साथ में गई है तो क्या होता है, देखिए ये कहीं पर रुक गई है। तो ये है हमारा बबल रैप कंट्रैप्शन। ईजी है, मैं इसका आपको ऊपर से मैप दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है ये।
ठीक है, तो आप ऐसा बना सकते हैं, ये छोटा सा मॉडल है, आप इसको आपके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको आपकी बेस में इसे लगाना है। ठीक है, मैं हर एंगल से आपको बता देता हूँ ताकि आपको देख आप जब इसको बनाएं तो आपको कुछ अच्छे से इसे देख के मैपिंग कर लें। ठीक है, तो ये मैं अपनी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड जो सीरीज है मेरी मेन वर्ल्ड में उसमें मैं लगाऊंगा ये। और अगर आपको ये पसंद आई है और आप चाहते हैं कि कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि इसको और हम कैसे सुधार सकते हैं। तो मैं जो मेरा आइलैंड है फ्लोटिंग आइलैंड में उस पर लगाने वाला हूँ इसको, क्योंकि वो बहुत रेलवे थोड़ा टैकी लगता है नीचे से देखने पर, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा अगर हम इसे हम हमारी फ्लोटिंग आइलैंड पे से बनाए तो। तो ठीक है दोस्तों, मिलूँगा मैं आपसे अब अगले भाग में। और ये 1.13 में ही आप बना सकते हैं क्योंकि 1.13 एक्वाटिक अपडेट में ही जो सोल सैंड का बबल इफ़ेक्ट है वो काम करता है, तो ये सिर्फ आपको अपडेट एक्वाटिक में 1.13 में ही मिलेगा हमारी बबल एलिवेटर रेडस्टोन। लेट्स गो, तो मिलूंगा मैं आपसे अब अगले भाग में। देखते रहिए माइनक्राफ्ट हिंदी गेमिंग 1822 के साथ। अंटिल देन स्टे फ्रॉस्टी।